हेलो पीपल, आज मैं आपको पांच टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपना वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी आसानी से और एफिशिएंटली कर पाएंगे। जैसे हम आज कह रहे हैं, तत्काल टिकट ऑफ ऑल टाइम वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है और कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ चेंजेस आए हैं कोविन वेबसाइट पर जो मैं आपको टिप्स के द्वारा बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन बहुत ही स्मूथ होगा। छोटा सा वीडियो है, एंड तक देखिएगा, मजा आया तो शेयर जरूर करिएगा। लेट्स गो ऑन टू अवर फर्स्ट टिप ऑफ द वीडियो। पहली टिप मैं आपको देना चाहूंगा इस वक्त ये है कि पहले आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाते थे तो आपने देखा होगा रजिस्टर एंड साइन इन योरसेल्फ करना पड़ता था, आपको ओटीपी डालना पड़ता था, फिर ही आपके कोई भी लोकेशन की अवेलेबिलिटी जान सकते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है। देखिए मेरे स्क्रीन पर अभी रजिस्टर एंड साइन इन यहाँ पर डाला हुआ है, बट स्टिल आई एम एबल टू सी दी अवेलेबिलिटी एंड स्लॉट विदाउट लॉगिन। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब लॉगिन करके ओटीपी डालना जरूरी नहीं है अगर आप अवेलेबिलिटी ही चेक करना चाहें। दैट इज माई टिप नंबर वन। टिप नंबर टू, मैंने पुराने एक वीडियो में भी बताया था कि आप सिर्फ पिन कोड से सर्च करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके ऑप्शंस काफी ज्यादा लिमिट हो जाते हैं। इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज स्टेट वाइज ही करने की कोशिश करिए। इस पर मैंने सर्च का बटन दबाया। ये जो सर्च ऑप्शन है ये बहुत ही आसान है लॉगिन किए बिना रहे। तीसरी टिप मैं आपको देना चाहूंगा जो चेंज है कोविन की वेबसाइट में, पहले आपको स्लॉट बुक करते वक्त कोई कलर साइन नजर नहीं आता था, नॉट एप्लीकेबल या बुक लगता था। अब आप देखेंगे ध्यान से तो सारी जगह आपको रेड या फिर ग्रीन जो भी लोकेशंस हैं वो नजर आएंगे। आप फटाफट यहाँ पर टैप करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं कोई भी रीजन में अगर आपके कोई स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप स्पेशली फॉर पीपल हुआ 18 to 44। आप सोच रहे होंगे कि सारी जगह एज 45 प्लस लिखा है, बुक लिखा है, मुझे सारी लोकेशंस के सारी डेट्स चेक करनी पड़ती है। उससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो है ये। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी होगी कि करना क्या है। आपको इस साइड ऑफ द कॉलम जैसे जो नाम है अस्पतालों के उन्हीं को देखते जाना है, बिकॉज उन्होंने क्या किया है, जो हॉस्पिटल 18 to 44 के लिए एप्लीकेबल है उन्हीं को उन्होंने ब्रैकेट में 18 to 44 ईयर ओल्ड लिखा है। तो जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पहले 18 to 44, तो आपको उन्हीं लोकेशंस को देखना है अगर आप 18 to 44 लोकेशन के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। फाइनल एंड इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए है, जो लोग सेकेंड डोज लेना चाहते हैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन का, बहुत ही आसान तरीका कर दिया है। अब वेबसाइट पर जहां पर आप बुकिंग करने जाते हैं वहीं आपको दिख जाता है कि वहां पर कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। सो ये बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल तरीका हो जाता है कि आप अपने वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सो दैट वो अलर्ट रहें, अवेयर रहें, जो भी चेंजेस हो रहे हैं कोविन वेबसाइट पर उसको ग्रास्प करें और अपना रजिस्ट्रेशन स्मूथली करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।